वेलकम स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल स्टडीज का आपका लेसन 6 है, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट। ये आपका बुक में लेसन नंबर 16 है, वैसे आपके सिलेबस में आपका लेसन नंबर 6 है। एनवायरमेंट साइंस आपका AECC पेपर है, सेमेस्टर 3 में आपका कंपलसरी पेपर है सभी के सभी UG कोर्सेज के लिए, तो इसे आप लोग ध्यान से कर लीजिए बेटे। बहुत छोटा सा वैसे तो है, लेकिन 9 लेसन है इसमें, तो ये लेसन 6 कर रही हूँ मैं। पहले मैंने बनाया था वीडियो इसका, लेकिन उसमें आवाज़ अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मुझे डिलीट करना पड़ा था। ये दोबारा से मैं बना रही हूँ आपके लिए, और लेसन नंबर 7 इसके बाद मैंने आपको शेयर कर दिया है, और लेसन 8 मैं कल आपको शेयर कर दूंगी। उसके बाद 9 जो है दोनों का हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का कॉमन रहेगा, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट वर्क है, तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, और इसके साथ ही आपका कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बेटा अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं अब आपके बहुत नज़दीक है, एग्जाम बहुत पास में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आपका जो लेसन है, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट। द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज द जेनेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज वी फेस टूडे एंड कैन बी लिंक्ड विद नेगेटिव एनवायरमेंटल इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये एक जेनेसिस है एनवायरमेंटल इश्यूज का, जो कि मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज का, क्योंकि ज्यादातर जो एनवायरमेंटल इश्यूज है वो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से ही यहाँ पर आकर हुए, उसी की वजह से ये सारे के सारे पैदा हुए। और आज की तारीख में ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है जो कि ड्रास्टिकली बढ़ता चला जा रहा है, वो नेगेटिव एनवायरमेंटल इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट ही डाल रहा है। इसकी वजह से एनवायरमेंटल इफेक्ट भी नेगेटिव पड़ रही है, इकोनॉमी पर भी इफेक्ट जो है वो नेगेटिव ही पड़ रहा है, और सोशली भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ये डाल रहा है। तो किस तरीके से ये बढ़ रही है, द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में इंक्लूड एनवायरमेंट पर क्या क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, ये हम मेनली एनवायरमेंट का हमारा पेपर है इसलिए एनवायरमेंट की ही बात करेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन को बढ़ा रहा है ये, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। जब डिफॉरेस्टेशन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी भी ज़मीन से खेती करने की कोशिश करेंगे तो लैंड अपने आप ही डिग्रेड हो जाएगा, लैंड यूज चेंज हो रहा है। हम लोग पहले जंगल काटते हैं, उसके बाद काटने के बाद वहाँ पर हम लोग जो एग्रीकल्चर का काम शुरू करते हैं, एग्रीकल्चर से काम नहीं चलता है, थोड़े दिन के बाद वहाँ पर हम हाउसिंग सोसाइटीज़ बना लेते हैं, फिर वहाँ पर हम लोग फैक्ट्रीज बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम लैंड यूज कंसिस्टेंटली चेंज करते चले जाते हैं। वाटर क्राइसिस, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो धीरे धीरे करके जगह जगह आप देख रहे होंगे कि वाटर क्राइसिस बढ़ने लगा है, लोगों को पीने के लिए पानी प्योर जो है ड्रिंकिंग वाटर मिलने में अब परेशानी होने लगी है। अभी से ही आगे आगे ये परेशानी और भी ज्यादा बढ़ेगी। साथ में क्लाइमेट चेंज एक इशू है बेटा, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, जंगल काटे जाएंगे, यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट हम लोग ऐड करेंगे ज्यादा एनवायरमेंट में, तो सीधी सीधी बात है कि हमारा जो एनवायरमेंट है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग आएगी, क्लाइमेट चेंज हो, तो ये सारे के सारे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण आ रहे हैं। सेवरल स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एश्योर सस्टेनेबिलिटी इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट द एवर ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन कीप्स ऑन चैलेंजिंग दीज इनिशिएटिव। जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट के, उनको कंसिस्टेंटली जो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये चैलेंज करती रहती है, सभी की सभी जो हमारी प्लानिंग्स होती है इसके कारण फेल होती चली जाती है, क्योंकि इतने सारे पॉपुलेशन के लिए सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है। द करेंट ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन अर्थ इज ओवर 7.8 बिलियन। अभी जो हमारा पॉपुलेशन है अर्थ पर टोटल वो 7.8 बिलियन है, जो कि अभी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और 9 बिलियन हो जाएगा ये 2040 तक, और 11 बिलियन हो जाएगा बेटा 2100 तक। ये 2100 में सोचिए सन ईयर की बात हो रही है, तब तक 11 बिलियन हम लोग हो जाएंगे। इस तरीके से पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है। ओवर पॉपुलेशन इज द जेनेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज वी फेस टू डे। आज की तारीख में जितने भी हम एनवायरमेंटल इश्यूज जो देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर के लिए रिस्पॉन्सिबल ओवर पॉपुलेशन है। अब फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए? इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर जो हमारा है उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, उसकी वजह से लोगों को अच्छा खाने पीने मिल रहा है, बढ़िया खा रहे हैं और उनके पास बच भी रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण है। लोगों का सर्वाइवल रेट बढ़ रहा है, हालांकि अच्छी बात है, लेकिन ये पॉपुलेशन ग्रोथ का एक कारण है। एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसकी वजह से डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट बढ़ गया, और लोगों का सर्वाइवल रेट भी ज्यादा बढ़ गया, लोगों की एज भी एक तरीके से लोग ज्यादा टाइम तक जी पा रहे हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ी है। लैक ऑफ अवेयरनेस, ये एक नेगेटिव रीजन है,
यानी कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों होनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग क्यों होनी चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि शायद हमारे घर में जितने ज़्यादा लोग होंगे हम उतने ज़्यादा अर्निंग पर्सन हो जाएंगे, इससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वो ऐसा सोचते नहीं है कि पहले तो उस बच्चे को 15 साल तक, 16 साल तक, 18 साल तक उन्हें खुद कमा के खिलाना पड़ेगा, उसके बाद वो बच्चा उनके लिए अर्निंग हैंड बनेगा। वो उस एंगल से नहीं सोचते, वो केवल यही सोचते हैं कि हमारे घर में जितने हैंड्स होंगे उतने अर्निंग हैंड्स बन जाएंगे, इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। गरीबी इसके पीछे जो पॉवर्टी एक बड़ा कारण होती है। साथ में जो है इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, बेटा ये बीच में हेडिंग डालने में शायद रह गई है, इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। डिफोरेस्टेशन बढ़ता है, जंगल काटे जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियां बनाई जाती हैं, खेत बनाए जाते हैं, उसके लिए जो है जंगल काटे जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। जब जंगल काटे जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी, आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था बेटा, फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन में आपने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा है क्या होता है, तो उसका लॉस होगा ही होगा, क्योंकि तो बहुत सारी स्पीशीज हमारी प्लांट की, एनिमल्स की, बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खत्म हो जाएंगी, तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन बढ़ता चला जाता है, ग्रीनरी कम होती चली जाती है, इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता चला जाता है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, लैंड की क्वालिटी खराब होने लग जाती है, क्योंकि उसको हम लोग ओवर ग्रेजिंग करने लग जाते हैं, उसको हम ओवर यूज करने लग जाते हैं, तो लैंड की क्वालिटी डाउन हो जाती है। और डेफिशिएंसी जो वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ते चले जाते हैं, आपने देखा होगा जगह जगह कूड़े के पहाड़ बनते चले जा रहे हैं। लॉस ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर कम होने लग जाता है लोगों के लिए पीने के लिए, बाकी यूजेस के लिए, तो फ्रेश वाटर मिलना कम हो जाता है धीरे धीरे, लॉस ऑफ फ्रेश वाटर हो जाता है। और क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे हम लोग सभी के सभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में, साथ में हम लोग जंगलों को काटते चले जाते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होता है। और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट का भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, ज्यादा ट्रांसपोर्ट के हमें रिसोर्सेज चाहिए उनसे, और भी ज्यादा पॉल्यूशन होता है। साथ में प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, क्योंकि जब हम पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो क्वालिटी सिटीजन कम होंगे, जाहिर सी बात है सभी को प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ नहीं मिलेगी, उससे क्या होगा लोगों की जो है अच्छे नागरिक नहीं मिल पाएंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी के नागरिक समाज में नहीं बन पाएंगे, तो सिटीजन्स नहीं होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं कम होगी। अब जो लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा 10 साल में कमाने लगेगा, जिन लोगों ने ये सोच के ही बच्चे को पैदा किया है कि अब ये मेरे घर में अर्निंग हैंड होगा, उनके बच्चे बहुत छोटी एज से कमाने लग जाते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितना कि कोई स्किल पर्सन कर सकता है, तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी भी डाउन जाती है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, मिनिमम एज ऑफ मैरिज फिक्स की जाए कि कम से कम इस एज से पहले शादी नहीं कर सकते, साथ में बेटर एजुकेशन दी जाए, एजुकेशन प्रॉपर दी जाए सभी को, ताकि पता चले कि फैमिली प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है हमें सोसाइटी में, और साथ में मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जाए, ताकि लोग जब वेल टू डू होंगे तो उनको ये कहीं भी चिंता नहीं होगी कि मेरे घर में जितने ज्यादा लोग हों उतने ज्यादा अर्निंग हैंड हो, तो उस तरीके से वो नहीं सोचेंगे, बल्कि अपने घर के जितने भी बच्चे, उनके 2 बच्चे होंगे, 1 बच्चा होगा, उसको अच्छी तरह से वो बेस्ट एजुकेशन दिलाने के लिए फर्दर एफर्ट्स करेंगे। साथ में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए, और इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, जो लोग फैमिली प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं उनको इंसेंटिव भी दिए जा सकते हैं। आगे आपके इस लेसन में बेटा एक टर्म है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज मेनली कार्बन डाइऑक्साइड released into the atmosphere by any atmosphere any anthropogenic activity can be a broad measurement of the environment impact due to the actions of an individual, family, organization, industry or even an entire nation. यानी कि कोई पर्सन या कोई फैमिली या कोई सिटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडस्ट्री या फिर कोई एंटायर नेशन कितना कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में छोड़ रहा है अपनी तरफ से, वो उस पर्टिकुलर पर्सन का, उस सिटी का, उस फैमिली का, उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस नेशन का कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। तो ये किसी पर्सन का भी हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है, किसी नेशन का भी हो सकता है। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टू कैलकुलेट एन इंडिविजुअल्स कार्बन फुटप्रिंट वी नीड टू इंक्लूड अ रफ एस्टिमेट ऑफ एन ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन फ्रॉम सिविरल डेली एक्टिविटीज इंक्लूडिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, हम कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को यूज कर रहे हैं और कितना डिस्टेंस हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, अब फूड कंजम्पशन हम किस तरह का खाना खा रहे हैं और कितना हम रिसाइकल कर रहे हैं, इन सब चीजों को काउंट करते हुए कार्बन फुटप्रिंट निकाला जाता है कि हमने कितना कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में रिलीज किया। इसी तरीके से पूरे इंडस्ट्री का निकाला जाता है, फैमिली का निकाला जाता है या पूरे नेशन का निकाला जाता है। तो कार्बन फुटप्रिंट काउंट करना मीन्स
कितना कार्बन फुटप्रिंट किसी कितना कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स उसे एक तरह से जो कि ग्रीन हाउस गैसेस होती है मिलनी, कितनी हमने रिलीज किया एनवायरमेंट में, वो हमारा कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। ये डेली के बेसिस पे भी निकलता है, मंथली बेसिस पे भी निकलता है, एनुअल बेसिस पर भी निकल सकता है कि हमने कितना कार्बन फुटप्रिंट हमारा है, उसका एवरेज निकाला जाता है बेटा। आगे अब कार्बन फुटप्रिंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अपना कार्बन फुटप्रिंट, एनवायरमेंटल व्हीकल जो कि व्हीकल एनवायरमेंट के लिए सेवी हो, मतलब कि जो कि एनवायरमेंट को नुकसान कम पहुंचाते हो या ना पहुंचाते हो, ऐसे व्हीकल यूज किए जाए। साथ में यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम यूज करें, और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को हम लोग यूज करें जो कि एनर्जी का कम जो इनमें कंजम्पशन होता हो, और इंसुलेटिंग आवर हाउसेस टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑन रूम हीटर्स एंड एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनर्स पर और रूम हीटर्स पर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं हम लोग, उसे कम करने के लिए हाउसेस को इंसुलेट कराया जा सकता है। और कंज्यूमिंग लोकल एंड ऑर्गेनिक फूड, अगर हम लोकल ऑर्गेनिक फूड खाते हैं उसको यूज करते हैं, साथ में हम लोग सीजनल चीजें खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर लेते हैं। इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज कैन ऑल्सो ऑफसेट सम ऑफ देयर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय परचेजिंग कार्बन क्रेडिट्स। आजकल बेटा कार्बन क्रेडिट्स खरीदे भी जाते हैं, कंपनियां खरीदती हैं, बड़ी बड़ी इंडिविजुअल तो नहीं खरीदते हैं, पर कंपनियां जो होती हैं उनको कार्बन क्रेडिट्स खरीदने के लिए कहा जाता है कि आप कार्बन क्रेडिट्स खरीदिए, उसके बाद जो पैसा मिलता है उससे प्लांटेशन या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है या फिर जो इस तरह के जो काम होते हैं कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन में, उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये होता है कार्बन फुटप्रिंट परचेज कर लेना। इसके बाद आपके यहाँ बेटा एक टर्म दी है आपको इस लेसन में, रिसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन एंड कम्युनिटी। तो ये क्या होता है, कोई भी कहीं पर कोई प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होता है, कोई भी डेवलपमेंट का, कोई डैम बनता है, कोई कहीं पर कोई हाईवे बनता है, कुछ भी बनता है, या कोई माइनिंग कोई की जाती है, कहीं पर कोई माइन होता है, या कुछ भी काम ऐसा होता है, तो उसमें क्या होता है, वहां पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको वहां से डिस्प्लेस किया जाता है, वहां से उनको हटाया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया इज मोस्टली इनिशिएटेड बाय फैक्टर्स सच एज, उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, लार्ज स्केल डेवलपमेंट होते हैं जैसे कि प्रोजेक्ट्स होते हैं माइनिंग के, डैम बिल्डिंग के, या फिर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, उनकी वजह से डिस्प्लेसमेंट किया जाता है लोगों का। इसके अलावा कई बार पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं जिनकी वजह से लोग अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं, या नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं जैसे कि कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, उसकी वजह से भी लोग अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एन एरिया एज एज ए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, किसी जगह को और मान लीजिए नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी गई, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया, तो भी क्या होता है कि वहां पर लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो इससे लोगों को बड़ी परेशानी होती थी बेटे, पहले क्या होता था कि ये कहाँ जाकर के रहेंगे, इस चीज के बारे में लोग ज्यादा पेन लेते नहीं थे, गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा पेन लिया नहीं जाता था, और साथ में जो किया भी जाता था उसमें बहुत टाइम लग जाता था, काफी काफी साल लग जाते थे, तो ये लोग बहुत परेशान हो जाया करते थे। तो इसकी वजह से इन इंडिया अ नेशनल पॉलिसी ऑन रिसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल फैमिलीज केम इनटू फोर्स इन 2004। तो 2004 में यानी कि 2004 में एक पॉलिसी बनाई गई जो ऐसे ही लोगों के लिए बनाई गई जिनका रिसेटलमेंट करना था और जिनको रिहैबिलिटाइज कराना था, जिनको दोबारा से कहीं और बसाना था। हाउएवर All displacement and rehabilitation programs have faced several challenges due to regional issues and administrative delays. जितने भी हमारे रिसेटलमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनमें एक पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिले होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको रिसेटल करने में टाइम लगता है, जो पॉलिसीज होती हैं वो टाइम टेकिंग हो जाती हैं। इसके अलावा हर जगह के रीजनल इश्यूज होती हैं, हर जगह के जहाँ से लोगों को डिस्प्लेस किया जाना है उनके लोकल अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत आती है। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेनी पीपल विच गिव्स राइज टू सीवियर इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंट प्रॉब्लम। साथ में लार्ज स्केल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, लोगों का इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट होता है, अपनी मर्जी से नहीं जा रहे होते, उनको बिना मर्जी के वहां से डिस्प्लेस होना पड़ता है बहुत से लोगों को, जिसकी वजह से इकोनॉमिक सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। इस तरीके से पीपल आर रिलोकेटेड टू न्यू प्लेसेस वेयर देयर प्रोडक्टिव स्किल्स मे बी लेस एप्लीकेबल। लोगों को जिस नई जगह पर भेजा जाता है कई बार ऐसा होता है कि उनको जो उनकी स्किल है वो वहाँ के लोगों के लिए यूजफुल नहीं होती है। मान लीजिए किसी को जैसे कि मैथ्स बुनना आता है, वो कहीं ऐसी जगह पर उसको शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पर लोग मैथ्स यूज ही नहीं करते, तो उसका तो स्किल बेकार हो गया।
प्रोडक्शन सिस्टम्स आर डिग्रेडेड, प्रोडक्शन सिस्टम जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम सोर्सेज आर लॉस्ट, नई जगह जाते हैं तो कई बार उनको इनकम के सोर्सेज उनके खत्म हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज उनको ज्यादा नहीं मिलती है, नए लोगों को देख करके कोई जल्दी से काम भी नहीं देता है कई बार। सोशल फैब्रिक विद इन द कम्युनिटी इज ब्रोकन इफ द फैमिलीज फ्रॉम वन एरिया आर डिस्प्लेस्ड इन सेपरेट लोकेशन, अगर एक ही जगह पर रहने वाली फैमिलीज को कहीं पर मिलजुल के रह रही थी उनको सेपरेट लोकेशन में रिसेटल कर दिया जाता है, एक फैमिली को कहीं भेज दिया दूसरी को कहीं भेज दिया, तो उन लोगों का जो सोशल जो फैब्रिक होता है वो टूट जाता है, उससे उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। द रिसेटलमेंट ऑफ अफेक्टेड पीपल मस्ट एम टू मिनिमाइज इनवॉलंटरी सेटलमेंट, प्रोवाइड अ टाइम बाउंड रिसेटलमेंट प्लान एंड कंपनसेशन फॉर लैंड एंड अदर असेट्स अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट। तो इसलिए जो रिसेटलमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं अफेक्टेड लोगों के लिए, उनको एम उनका यही होना चाहिए कि मिनिमाइज करें वो इनवॉलंटरी सेटलमेंट को, यानी कि कम से कम हो इस तरह का सेटलमेंट जो कि लोग अपनी मर्जी से ना जा रहे हों, ऐसा कम होना चाहिए, कोशिश की जानी चाहिए कि उनको उनकी मर्जी का उनका चॉइस प्लेस ऑफ रिसेटलमेंट दे दिया जाए कि वो जिस जगह पर चाहते हैं अगर हो सकता है तो उनको वहां बसाया जाना चाहिए। साथ में उनको टाइम बाउंड रिसेटलमेंट प्लान होना चाहिए, मतलब हम इतने टाइम के अंदर अंदर इनको हम रिसेटल कर देंगे, ऐसा ना हो कि 5-5 साल ज्यादा 10 साल बीत जाए, उनके लिए टाइम बाउंड होना चाहिए और साथ में उनको एक कंपनसेशन भी मिलना चाहिए उनके लैंड के बदले में, उनके असेट के बदले में जिसकी वजह से वो अफेक्ट हुए हैं उसके बदले उनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। आगे है सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस व्हीकल इनिशिएटिव इन दिल्ली, ये आपका इसी लेसन में बेटा एक और पॉइंट दिया गया है, आपके इस लेसन में पॉइंट थे अलग अलग करके। राइजिंग लेवल्स ऑफ पॉपुलेशन हैव बीन अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न इन द नेशनल कैपिटल दिल्ली व्हिच हैज बीन पुट इन द लिस्ट ऑफ 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारी दिल्ली जो है यहाँ का जो पॉल्यूशन है जो बढ़ता चला जा रहा है, आप लोग भी अभी देख रहे हो कि आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में जो है वैकेशन प्रीपोन कर दिए गए थे, इनको विंटर वैकेशन नाम दिया गया था, उसका मेन रीजन जो था वो पॉल्यूशन ही था, उस टाइम दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ा हुआ था, अभी भी ज्यादा है, तो वैकेशन उसी की वजह से प्रीपोन किया गया था। तो ये एक बहुत मेजर हमारे यहाँ का एक कंसर्न है, बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, और ये हमारी जो है सिटी को दिल्ली को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के WHO ने 20 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज के अंदर हमें काउंट करके रखा है, अपनी एक लिस्ट बनाई है, उसमें भी आते हैं। मेन इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन कॉज ड्यू टू व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जो कि मेन इशू है हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन के लिए, उसमें एयर पॉल्यूशन में एक तो व्हीकल से जो कि व्हीकल चलते होते हैं दिल्ली में उनकी वजह से पॉल्यूशन होता है और साथ में इंडस्ट्रीज की वजह से होता है और इन्हीं की वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होता है यमुना रिवर का। राइजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज इंक्रीज पॉल्यूशन इन रिसेंट पास्ट, रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा अभी पिछले 8-10 साल के अंदर ही रोड पर बेहिसाब व्हीकल्स आ गए हैं, बहुत ज्यादा व्हीकल्स आ गए हैं, उसकी वजह से भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। रिएक्टिंग टू द कोर्ट ऑर्डर व्हिच वाज द रिजल्ट ऑफ अ PIL, एक PIL डाला गया था ना, तो उसका क्या हुआ कि एक रिएक्शन दिया कोर्ट ने कि यहाँ पर द गवर्नमेंट मेड इट कंपल्सरी टू इंट्रोड्यूस द CNG व्हीकल्स एंड मेक द पॉल्यूशन चेक मैंडेटरी फॉर ऑल प्राइवेट व्हीकल। PIL जो आई थी उसका रिजल्ट पर एक जजमेंट दिया था कोर्ट ने, उस पर रिएक्ट करते हुए उसके जो है हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने ये कंपल्सरी किया था कि यहाँ पर जितने भी व्हीकल्स हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले, चाहे वो ऑटो है, टैक्सी है, बसेज है, वो सभी की सभी CNG से चलेंगी और साथ में जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं उन सभी को पॉल्यूशन चेक करवाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी कहा गया। आप लोग भी गाड़ी लेके जाते होंगे कहीं तो कराते होंगे PUC जो करवाते हैं, कहते हैं पॉल्यूशन करवा लीजिए अपना, वो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल ही होता है कि हम सर्टिफिकेट लेते हैं कि हमारी गाड़ी जो पॉल्यूशन छोड़ रही है एनवायरमेंट में ये अंडर कंट्रोल है। जो हमने जो लेसन पढ़ा था जो हमारा बोर्ड था पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो था हमारा CPCB, वो जो एक स्टैंडर्ड तय करता है कि उससे ज्यादा पॉल्यूशन हमारी गाड़ी नहीं कर रही, इस तरह का हम लोग सर्टिफिकेट लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट हैज बीन फोर्स टू शिफ्ट द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आउट ऑफ द सिटी एंड लॉन्च द यमुना रिवर क्लीनिंग ऑपरेशन। दिल्ली गवर्नमेंट को एक फोर्स किया गया था कि यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको दिल्ली से बाहर शिफ्ट कर दें और साथ में यमुना रिवर को क्लीनिंग के लिए यहाँ पर कैंपेन चलाए जाए, तो ये चीजें शुरू हुई थी। और 28 July 1998 the Supreme Court ordered the commercial vehicle to be mandatorily covered to CNG vehicles, especially taxis, buses and three-wheelers. 28 July 1998 को एक कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि दिल्ली में जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं, चाहे वो बसेज हैं, ऑटो हैं या थ्री व्हीलर्स हैं, टैक्सीज हैं, उन सभी को CNG पर ही चलाया जाएगा, CNG वाले ही होने चाहिए।
ये एक ऑटर आया था। इसके सीएनजी के एडवांटेजेस क्या है यहाँ पर? सीएनजी में बी जनरेटेड एंड यूज फॉर बल्क स्टोरेज एंड पाइप प्लांट ट्रांसपोर्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल्सो बी मिक्सड विद बायोमीथेन। सीएनजी जो है इसको बल्क स्टोर किया जा सकता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आप स्टोर कर सकते हैं, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट भी इसका पॉसिबल है और ये रिन्यूएबल एनर्जी है और साथ में बायोमीथेन के साथ ये इजीली मिक्स हो जाती है, डिराइव्ड फ्रॉम बायोगैस फ्रॉम लैंडफिल्स एंड एनारोबिक डाइजेशन। जो एनारोबिक डाइजेशन होता है और लैंडफिल्स से जो निकलती है बायोमीथेन उसके साथ ये मिक्स हो जाता है बड़े इजीली। पहली तो क्वालिटीज की, इतनी सारी क्वालिटीज इसकी ये है ना कि भाई ये स्टोरेज में आसान है, इसका पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट कराया जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जो है हमारी बायोमीथेन उसके साथ मिक्स हो सकता है। तीन क्वालिटीज तो ये हो गई। इसके अलावा दिस वुड अलाउ द यूज ऑफ सीएनजी फॉर मोबिलिटी विदाउट इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन इन एटमोसफियर। साथ में कार्बन का कंसंट्रेशन ये नहीं बढ़ाता है सीएनजी, इसकी एक खासियत है। और इसके अलावा इट वुड ऑल्सो अलाउ कंटिन्यूड यूज ऑफ सीएनजी व्हीकल्स करंटली पावर्ड बाई नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल। इसकी वजह से सीएनजी व्हीकल जो यूज हो रहे हैं उससे नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स का जो है यूज जो है वो डिसकंटिन्यू होगा, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बेसिकली लोग पेट्रोल और डीजल यूज करते हैं व्हीकल्स में, तो उसका यूज कम होगा, तो इससे जो फॉसिल फ्यूल्स है हमारे वो कम यूज होंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग भी हमारी कम होगी, साथ में वो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेंगे, आगे कार्बन और जो हमारे पेट्रोल और डीजल बचे रहेंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए। नाउ लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग सीएनजी, सीएनजी को यूज करने के फायदे तो इतने सारे थे लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी थी। वो क्या थी? लिमिटेशन ऑफ फ्यूल स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल फॉर डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन और फ्यूलिंग स्टेशन, फ्यूलिंग स्टेशन तक उसको पहुंचाना। एक तरीके से अभी फिलहाल हमारे पास इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया है। सीएनजी मस्ट बी स्टोर्ड इन हाई प्रेशर सिलेंडर्स ओनली। सीएनजी को हाई प्रेशर सिलेंडर्स में ही स्टोर करना होता है, जब स्टोर करना होता है तो, और इसमें ये जो जो सिलेंडर होते हैं हाई प्रेशर वाले, ये गैसोलीन के और डीजल टैंक्स के मुकाबले ज्यादा जगह घेरते हैं। दूसरा लिमिटेशन ये हो गई थी। इसके बाद अदर लिमिटेशन इंक्लूड रिलेटिवली प्राइस एंड एनवायरमेंटल इनसेंसिटिविटी। एक तरीके से इसका जो है प्राइस, रिलेटिवली प्राइस जो है वो कई बार ऐसा होता है कि प्राइस तो इसका वैसे सस्ता है, ये आपकी बुक में पता नहीं कैसे दिया हुआ है कि रिलेटिवली प्राइस, अदरवाइज प्राइस तो सीएनजी का सस्ता होता है, ये मेरे हिसाब से इशू नहीं है बेटे, है ना। ड्यू टू बर्निंग इशूज लाइक क्लाइमेट चेंज एंड एस्टिमेशन द नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स लाइक क्रूड ऑयल विल गेट एग्जॉस्टेड इन नियर फ्यूचर एक्सप्लोरिंग न्यू फ्यूल्स लाइक सीएनजी इज अ बून। ये लास्ट लाइन आपको दी गई है कि आजकल जो बर्निंग इशू है क्लाइमेट चेंज, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए और साथ में जो हमारे नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं उनको हमें यूज करना होगा, ताकि जो क्रूड ऑयल टाइप के जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं आने वाले वाले टाइम में नियर फ्यूचर में एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो हमें सीएनजी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें फ्यूल ढूंढने पड़ेंगे, तो ऐसे में सीएनजी हम लोगों के लिए एक वरदान है, एक बोन है। इस लेसन से आपके क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं वो भी बेटा देख लीजिए, आपका यहाँ लेसन खत्म हो गया है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड बाय सेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन एंड कम्युनिटीज। मतलब कि जो लोग होते हैं रिहैबिलिटेट, जो लोग किए जाते हैं उनको क्या क्या परेशानियां सामना करना पड़ता है। व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में इसमें आपको सब कुछ बता देंगे। थर्ड है आपका इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्टेप्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। इम्पैक्ट इसमें आपसे साथ में रीजंस पूछे जा सकते हैं, स्टेप्स फॉर कंट्रोल पूछे जा सकते हैं, तीनों चीजें भी एक साथ पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ ही आपका उसी क्वेश्चन में मैंने एड ऑन कर दिया है। अगला है व्हाट डू यू नो अबाउट सीएनजी। सीएनजी पर आपको एक नोट लिखने के लिए आ सकता है, सीएनजी क्या है, किस तरीके से यूजफुल है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, आप ये सारी की सारी चीजें लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आपका लेसन जिसका नाम था ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट। ये आपका पार्ट नंबर 6 था, लेसन नंबर 6 था आपके एनवायरनमेंट साइंस के जो बुक है आपका उसका, इसमें के बुक में आपको ये लेसन नंबर 16 दिया हुआ है। तो लेसन को बेटा पढ़ लीजिए, कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है आपको तो पूछ सकते हैं बेटा यहाँ पर। और हिंदी मीडियम वाला जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने सीएनजी वाला जो है ये ऐड करना शायद मैं भूल गई हूँ, उसे मैं अगले लेसन में ऐड ऑन कर दूंगी। तो आप सभी लोग बेटे पढ़ते रहिए, आपकी परीक्षाओं के लिए, आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी को कुछ क्वेरी है या कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।